इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग, ये हमारी सैम्पलिंग की फर्स्ट टेक्निक है। थ्री टाइप की सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट होती है इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग, सेकंड होती है नेचुरल सैम्पलिंग, थर्ड होती है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। इसमें हम इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग की बात करेंगे। देखिए, इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग, जिसे आइडियल सैम्पलिंग या फिर इम्पल्स सैम्पलिंग भी बोला जाता है, इसमें क्या होगा कि हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा कंटिन्यू सिग्नल होता है और एक इम्पल्स ट्रेन होती है, जिससे हमारे पास मल्टीप्लायर के थ्रू एक सैम्पल्ड सिग्नल प्रोड्यूस होता है। देखिए, ये है हमारे पास कंटिन्यू सिग्नल एक्स टी से, जिसे डिनोट किया जाता है। एक्स टी एक इनपुट सिग्नल होता है जिसे सैम्पल करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पल्स ट्रेन, जिसे टी एस से डिनोट किया जाता है, यानी चेंज इन टी एस, स्मॉल चेंज इन टी एस। इसको क्या शो किया जाता है, यानी कि ये टी एस जो स्मॉल चेंजेस आते हैं, 2TS, 3TS, 4TS, ऐसे नेगेटिव में, इस साइड नेगेटिव में चलती है, तो ये जो है ये हमारी इम्पल्स ट्रेन होती है। इसके अलावा इसमें एक जो हमारा स्विचिंग होता है, ये हमारी इम्पल्स ट्रेन है। दूसरा होता है हमारा स्विचिंग सैम्पलर, जो कि सैम्पलिंग करता है, यानी कि एक्स टी जो कि इनपुट सिग्नल है, जी टी यह सैम्पल फ्रीक्वेंसी यहाँ से है, तो जी टी सिग्नल क्या आएगा, जो एक्स टी और जो चेंज इन टी एस, इन दोनों का जो कम्बिनेशन मल्टीप्लाइड सिग्नल होगा, वो होगा हमारे पास जी टी, जिसे कि सैम्पल्ड सिग्नल बोलेंगे। ये जो सर्किट है, ये वाला सर्किट, देखिए इस सर्किट में हम एज्यूम करते हैं कि क्लोज टाइम में, यानी कि टी टाइम, जब ये क्लोज रहेगा टी टाइम में, जो स्विच है वो जीरो रहेगा, स्विच जीरो को अप्रोच करेगा, और जो जी टी सर्किट होगा वो क्या होगा, उस टाइम पे वैल्यू जो होगी इनपुट सिग्नल की होगी, ठीक है। यानी अगर हम देखते हैं कि मतलब क्या है इसका, आप देखते हैं, क्योंकि जो पल्स की विड्थ होती है इसमें वो जीरो होती है, इस वजह से ये हम ये कहते हैं कि वो जीरो रहेगा, इम्पल्स की विड्थ। यानी अब ये जो हमारा सिग्नल आता है, ये सिग्नल है हमारे पास जी टी सिग्नल, जो कि एक सैम्पल्ड सिग्नल होगा। सैम्पल्ड सिग्नल में देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा स्विच है वो क्लोज रहेगा टाइम टी पे, जो स्विचिंग है जो भी हमारे, वो जीरो को अप्रोच करेगी, आउटपुट जी टी के इक्वल आएगी हमारे सर्किट में। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारी पल्स की विड्थ होती है, इम्पल्स ट्रेन होती है, उसकी विड्थ जो होती है उसे हम टाउ से डिनोट करते हैं, और उसकी जो विड्थ होती है वो जीरो होती है, यानी कि जो विड्थ है वो अप्रोच करेगी जीरो को, और जो भी हमारी ट्रेन होगी, जो भी हमारी सैम्पलिंग होगी ट्रेन की, वो किसके इक्वल होगी, हमारी कंटिन्यू सिग्नल के अकॉर्डिंग, यानी कि उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, इस तरह से। अब देखिए, ये हमारा है सैम्पल्ड सिग्नल जी टी से, जिसे डिनोट किया गया है। टाउ क्या है, हर टाइम उसकी विड्थ क्या है, जीरो है, तो इंस्टेंटेनियसली वो जीरो रहेगा, अप्रोच करेगा जीरो को। तो जो इम्पल्स है उसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इम्पल्स यानी कि चेंज इन टी एस, कितना चेंज आ रहा है जो हमारे इम्पल्स ट्रेन में है, वो माइनस इनफाइनाइट, समीशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यानी कि वो पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है, टी एस, टू टी एस, थ्री टी एस, नेगेटिव में भी माइनस टी एस, माइनस टू टी एस, यानी कि इसको क्या लेंगे, इसको टी एस, टू टी एस, इसे माइनस टी एस, सेम ऐसे, यानी कि वो पॉजिटिव नेगेटिव इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, तो चेंज इन टी माइनस एन टी एस रहेगी, जो इम्पल्स एक्सप्रेशन है सिर्फ इम्पल्स का। और ये जो है इसे सैम्पलिंग फंक्शन बोलेंगे, जैसे हमने इसकी इम्पल्स ट्रेन की थी उसमें। अब देखिए जी टी सिग्नल, जो कि हमारे पास यहाँ पे सिग्नल आया है, ये कहाँ से आया है, कंटिन्यू सिग्नल जो कि एक्स टी है, और कौन सा है हमारा, इम्पल्स ट्रेन चेंज इन टी एस, इन दोनों के मल्टीप्लायर से, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जी टी इज इक्वल टू एक्स टी इंटू चेंज इन टी एस, इससे आया है। अब क्या हुआ, चेंज इन टी एस की वैल्यू क्या है, ये इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो इसकी सारी वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया जी टी में।
अब यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी टी समीशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स एन टी एस इंटू चेंज इन टी माइनस एन टी एस, यानी कि एक्स टी को हम अंदर ले गए तो एक्स एन टी एस हो गया। तो यहां से अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मर करें आइडियल सिग्नल का, फोरियर ट्रांसफॉर्मर आइडियल सिग्नल का, ये हमारे आइडियल सैम्पलिंग भी है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग भी है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मर के बाद हमारे पास जैसे जी कैपिटल जी एफ से डिनोट किया जाएगा, एफ एस समीशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स एफ माइनस एन एफ एस होगा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मर। जो भी हमारे पास इक्वेशन आई है ये हमारी आइडियल सैंपल सिग्नल है। देखिए जो आइडियल सैंपल जो सिग्नल होगा इसमें ये प्रैक्टिकली पॉसिबल मेथड नहीं होता, इसका जो सैंपल रेट होता है वो इनफाइनाइट होता है और जो नॉइस इंटरफेरेंस होती है वो मैक्सिमम होती है। ये इसका जो हमारा आइडियल इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग होती है और इसमें प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसी वजह से नेचुरल सैंपलिंग और फ्लैट टॉप सैंपलिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेचुरल सैंपलिंग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।